कि आप सब जानते हैं कि हमारे पैंडमिक स्टार्ट है और हम फिर से डिजिटल क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 में हम अपना चैप्टर कवर करेंगे लीडिंग द फ्रीडम मूवमेंट। हमने अपना फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें यही चैप्टर हमने कवर किया था। इसके कुछ टॉपिक्स थे, कायदा आजम के बारे में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था और हमने किस तरह से पाकिस्तान बना, किस तरह से हमने फ्रीडम मूवमेंट हुई, किस तरह से आज़ादी हासिल की, वो सब पढ़ा था। नाउ इन लेक्चर नंबर 2 हम कुछ वुमेन्स के बारे में पढ़ेंगे, द रोल ऑफ वुमेन इन द फ्रीडम मूवमेंट। वो वुमेन्स जिनका जो रोल था, अहम किरदार था फ्रीडम मूवमेंट में। जिस तरह हमारे मेल लीडर्स ने फ्रीडम मूवमेंट में बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया अपना और फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा लिया, इसी तरह हमारी बहुत सी वुमेन्स लीडर हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपना किरदार अदा किया फ्रीडम मूवमेंट में। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं आबादी बेगम, जिनको हम बी अम्मा के नाम से भी जानते हैं। शी वाज द मदर ऑफ मौलाना मोहम्मद अली जौहर एंड मौलाना शौकत अली जौहर। और ये उनका बहुत स्ट्रांगली बिलीव था कि मुस्लिम जो ये ब्रिटिश के खिलाफ जो ये फ्रीडम मूवमेंट चला रहे हैं आज़ादी की जद्दोजहद, तो उसमें वो ज़रूर कामयाब होंगे और ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। उसके अलावा उनके बेटों को जेल में डाल दिया गया, कैद कर लिया गया, तो उनके पीछे उनकी सारी मूवमेंट जो थी वो इन्होंने चलाई और बहुत कामयाबी के साथ चलाई। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वाइफ ने भी बी अम्मा का बहुत ज़्यादा साथ दिया इनकी फ्रीडम मूवमेंट में। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास बेगम जवाहरा शाहनवाज। बेगम जवाहरा शाहनवाज वॉज वेरी फेमस पॉलिटिशियन एट अ टाइम, वो अपने टाइम की बहुत ज़्यादा फेमस पॉलिटिशियन थी। उन्होंने जो है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए वो इलेक्ट हुई थी, जिसमें उन्होंने प्रेजेंट किया था मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। शी वॉज सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंडन इन 1930। शी वॉज अ मेंबर ऑफ पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग काउंसिल। आफ्टर इंडिपेंडेंस शी वॉज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर थी जहाँ पर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप हुआ था, दैट मीन्स जहाँ पे पाकिस्तान के लॉज बनाए गए थे। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास बेगम राना लियाकत अली खान। बेगम राना लियाकत अली खान वॉज द वाइफ ऑफ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर लियाकत अली खान। उसके अलावा भी पॉलिटिकली बहुत एक्टिव थी, जिसकी वजह से इनका फ्रीडम मूवमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। शी फॉर्म्ड वुमेन्स वॉलेंट्री सर्विस एंड नेशनल गार्ड। आफ्टर द इंडिपेंडेंस उन्होंने पाकिस्तानी वुमेन्स के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, उनकी उनके हालत को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। उसके अलावा शी सर्व्ड एज एम्बेसडर एंड द गवर्नर ऑफ द सेल। नेक्स्ट है हमारे पास लेडी नुसरत हारून एंड लेडी ज़ोहरा हिदायतुल्ला। इन दोनों ने भी हमारा फ्रीडम मूवमेंट में, पाकिस्तान की फ्रीडम मूवमेंट में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया है। लेडी नुसरत हारून ऑल्सो इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया वुमेन्स लीग इन 1943।